मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास में राइटिंग स्किल का लेटर राइटिंग पढ़ लिया और डायलॉग राइटिंग। ये लेटर राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5 का ए होता है, कैरिंग 5 मार्क्स, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी क्वेश्चन होता है वो होता है डायलॉग राइटिंग, जो कि हम आज अभी आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है आपका डायलॉग राइटिंग। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा है, डायलॉग राइटिंग एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि एक बार अगर ध्यान देख लीजिए, एक बार ध्यान कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आउट ऑफ 5 एटलीस्ट कम से कम 4.5 4.5 नंबर आपको तो मिल ही जाता है, बशर्ते आपकी हैंड राइटिंग बराबर हो। ठीक है, मोस्टली होता क्या इसमें है, इसमें लिखना कम पड़ता है, बहुत कम लिखना पड़ता है, और फिर भी नंबर मिलता है। तो आओ समझते हैं इसको क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बी जो 5 मार्क्स का है, उसके 3 पार्ट किए गए। ये देखिए यहाँ पर ए बी सी, ए 1 मार्क का होता है, बी 1 मार्क का होता है, और सी 3 मार्क का होता है। इस प्रकार 1+1+3 इक्वल टू 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये मिलेंगे, और 5 मार्क्स में से आप 5 प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ, बशर्ते बस आप ज़्यादा मत कीजिए, जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आज उतना भर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी में लिख के देख लीजिए, आपको नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहले देखेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में 1 मार्क का होता है। इस हिस्से में देखिए यहाँ लिखा गया है, मैं बोल रहा हूँ आप देखते जाइए इंटरनेट को। इस हिस्से में 4 सेंटेंस होते हैं जो कि अव्यवस्थित होते हैं, अव्यवस्थित समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं, सही क्रम से नहीं होते हैं। आपको मीनिंग के आधार पे उनको सही क्रम से लगाना है, आपका 1 मार्क सेटन हो जाएगा। अगर मेरी बात आप समझ नहीं आई, आइए हम अभी आपको एग्जांपल देंगे, बताएंगे, उसमें आप कन्फर्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी क्या होता है, बी का 1 लिखा जाएगा, पुट द सेंटेंसेज इन द प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर ए मीनिंगफुल डायलॉग। वो डायलॉग का सेंटेंस है, कन्वर्सेशन का है, दो लोगों में बातचीत हुई है, उसको सही क्रम में लिखना है ताकि उसका एक अर्थ निकल सके। ठीक है, अब नीचे एक सेंटेंस देखिए, अब यहाँ दिया जा रहा है, 4 सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, अब 4 सेंटेंस पहले मैं पढ़ दे रहा हूँ, तब देखिए। पहला, आई इंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट। मैंने डिटेक्टिव जासूसी कहानियाँ पढ़कर खूब इंजॉय किया। एक सेंटेंस ये हो गया, मान दो बच्चे इसमें हैं, दो लोग हैं, एक बोलता है मैंने डिटेक्टिव स्टोरीज जासूसी कहानियाँ पढ़ करके इंजॉय किया। दूसरा सेंटेंस में क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम। लेजर माने खाली वक्त, आपने अपना खाली वक्त कैसे बिताया। तीसरा सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक, कौन सी प्रकार की किताब आप लाइक किए या करते हैं। चौथा, आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता हूँ। अब देखिए इसमें पहला सेंटेंस क्या आएगा, पहला सेंटेंस क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखिए 2 है, सेंटेंस नंबर 2 और 3। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, आप अपना खाली वक्त कैसे व्यतीत करते हैं। दूसरा है, कौन सी कहानियाँ कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं। इसमें आपका कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, पहले दूसरा वाला आएगा, यही बैठ रहा ना, आप अपना खाली वक्त कैसे बिताते हैं। जब कोई पूछेगा आप अपना खाली वक्त कैसे बिताते हैं, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, इसका क्वेश्चन क्या होगा। बाकी 3 सेंटेंस देखिए, तो पहला सेंटेंस देखिए, आई इंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरी बुक मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा तो कहानियाँ पढ़ता, जासूसी कहानियाँ। और चौथा देखिए, आई लाइक टू रीड इन माई फ्री टाइम, मैं अपने फ्री टाइम में पढ़ना पसंद करता हूँ। इसमें से कौन सा फिट बैठेगा, अब क्वेश्चन देखना, खाली वक्त कैसे बिताते हो, तो आपका तो चौथा सेंटेंस आना चाहिए ना, मैं खाली वक्त में किताबें पढ़ता हूँ, आई लाइक टू रीड माई फ्री टाइम्स। तो पहला सेंटेंस आपने यहाँ लिख लिया, फिर दूसरा लिख लिया यहाँ पर, हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरी बार फिर क्वेश्चन आएगा, व्हाट काइंड ऑफ, देखिए तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ द बुक्स डू यू लाइक, किस प्रकार कहानियाँ पसंद करते हैं। तो बताता है, मैं तो डिटेक्टिव कहानियाँ पसंद करता हूँ,
आई एंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट, तो आपका ये चौथा हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर लें। आइए हम आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं और देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ सेम है, मैं पहले का यही बता रहा हूँ अभी। इसमें आप देखेंगे पहला सेंटेंस है, इट इज़ रॉन्ग नंबर मैडम, मैडम ये तो रॉन्ग नंबर है, आई डोंट नॉट नो एनी श्रिया, मैं किसी श्रिया को जानती नहीं। क्वेश्चन होता है इज इट 9689, आगे डैश 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 है, क्या ये यही नंबर है। तीसरा बोलता है हाँ यस, हु इज ऑन द लाइन, कौन बोल रहा है, नंबर तो यही है। तो इधर एक वाक्य और आता है, मैं श्रिया बोल रही हूँ। अब बताइए कैसे होगा, पहला सेंटेंस कौन आएगा, पहला आपका ये आएगा। दूसरा जब आप नंबर कभी किसी अनजान मिलाते हैं, हेलो क्या यही नंबर है, तो उसे उतरता हाँ, उधर आंसर आता है हाँ यही नंबर है, यस हु इज ऑन द लाइन, कौन बोल रहे हैं आप, ये दूसरा हो गया। तो पहले आप सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, फिर थर्ड लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन देखिए नीचे है ये चौथा, आई एम श्रिया हियर, मैं श्रिया हूँ, मैं श्रिया बोल रही हूँ। उधर जवाब आता है, इट इज़ रॉन्ग नंबर मैडम, आई डोंट नो एनी श्रिया, मैडम ये तो रॉन्ग नंबर है, मैं किसी श्रिया हुआ को नहीं जानती। तो आपको देखिए यहाँ पर सटीक बैठा दिया गया है, ठीक है ना, ये आप प्रैक्टिस करके यहाँ पर अभ्यास कीजिए और देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 में, 3 में क्या है, 4 सेंटेंस हैं, यस ऑलमोस्ट रेडी, हाँ तैयार है। दूसरा सेंटेंस क्या है, नथिंग लेफ्ट जस्ट रिवाइजिंग, कुछ छूटा नहीं है बस थोड़ा रिवाइज करना है। आर यू रेडी टू हार्ड कॉम्पिटिशन, क्या आप कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं। चौथा, एनीथिंग लेफ्ट टू प्रिपेयर, क्या कोई कुछ तैयारी में भी बाकी है। तो सबसे पहले कौन सेंटेंस आएगा, पहले क्वेश्चन देखिए ये, क्या माने दो लोग हैं, एक बच्चा है वह कॉम्पिटिशन तैयारी करने जा रहा है, उसके पिता बड़े या कोई पूछता है क्या भैया आप तैयार हो गए ना, तो कौन सा क्वेश्चन आएगा, आर यू रेडी फॉर कॉम्पिटिशन। तो आंसर क्या मिलेगा, यस ऑलमोस्ट, ये देखिए यस ऑलमोस्ट रेडी, हाँ लगभग तो मैं तैयार हूँ। फिर तीसरा देखिए कहाँ आएगा क्वेश्चन, आएगा तीसरा, एनीथिंग लेफ्ट टू प्रिपेयर, कुछ बचा है क्या तैयार करने को। बोलता नहीं यार, नथिंग लेफ्ट जस्ट रिवाइजिंग, कुछ बचा नहीं है, बस रिवाइज करना थोड़ा बाकी है, वो रिवाइज में करके तैयार हो जाऊँगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल। अब इसी तरह से एग्जाम्पल और दिए गए हैं, एग्जाम नंबर 4 है, आप पढ़िए करिए, 5वां है, ठीक ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी में, बी भी है 1 मार्क का। इसमें कैसा होता है देखिए, इस हिस्से में किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच में बातचीत होती है जिसमें कुछ भाग अधूरे होते हैं, या तो क्वेश्चन नहीं रहेगा या तो आंसर नहीं रहेगा, जिसे पूरा करके डायलॉग के रूप में लिखना होता है। ध्यान रहे कि जिस टेंस में प्रश्न हो उसके उत्तर उसी टेंस में देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे रहे कंप्लीट द डायलॉग, डायलॉग कंप्लीट करो, ये बोलता है व्हाई डोंट यू बिलीव इन द र्यूमर्स, आप र्यूमर्स में विश्वास क्यों नहीं करते। तो उत्तर क्या आता है, बिकॉज समवन स्प्रेड इट, क्योंकि ये कोई फैलाता है इसको, है ये सही बात नहीं होती। या देखो भाई बता दूं आपको, यहाँ कुछ भी लिखो, जब मैं पूछूं भाई आप अफवाह में विश्वास क्यों नहीं करते, तो आप बोल देना क्योंकि ये झूठ बात होती है, ये सच बात नहीं होती है, कुछ बेवकूफ़ लोग इसे फैलाते हैं, कुछ कनिंग या डिसऑनेस्ट बेईमान लोग फैलाते हैं, कुछ भी लिखो। खैर यहाँ पर तो मैंने आंसर लिख दिया है बिकॉज समवन स्प्रेड इट, क्योंकि कोई फैलाता है इसको, ये रियलिटी नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक हु स्प्रेड सच फॉल्स न्यूज, आपको पता है कि क्या ऐसी कहानियाँ कौन फैलाता है, इसका उत्तर लिख सकते हो। क्या लिखेंगे, यस दोज हु गेट बेनिफिट फ्रॉम द स्प्रेडिंग फॉल्स, वही लोग फैलाते हैं जिसको ये झूठ फैलाने से लाभ होता है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड यू गो फॉर पिकनिक रिसेंटली, अभी हाल में आप पिकनिक कहाँ गए थे। आंसर आप लिख सकते हैं ना, मैंने जो लिखा है जरूरी नहीं है कि लिखो, आप लिखिए आई वेंट टू माथेरान, आई वेंट टू मुंबई, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू समथिंग वे, कहीं भी आई वेंट टू, हाँ संग्रीला रिसॉर्ट, ठीक है। अगला,
Why did you select the picnic spot? आपने उसी को क्यों चुना? आप क्या लिखेंगे? Because it is very nice, very attractive. It is very close to my house. ठीक है, इट इज़ वेरी चीप, सस्ता है, ऐसा लिख कर आप पूरा कर सकते हैं. तो बेटा देखो यहाँ पर, और इतने एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको पूरा कर सकते हैं. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर सी में. क्वेश्चन नंबर थ्री 3 मार्क का है, ये बड़ा ही आसान होता है. यह है डायलॉग का तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कि 3 मार्क के लिए होता है. इस भाग में कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार होते हैं. देखिए प्रश्न कैसा आएगा एग्जाम में. राइट ए डायलॉग ऑफ मिनिमम 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ द पेट एंड एनिमल्स, पेट एंड एनिमल्स इन योर लाइफ. तुम और तुम्हारे दोस्त के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि पालतू जानवर का हमारे जीवन में क्या महत्व है. उस पर आप 3 exchange या 6 sentences लिखो. या प्रिपेयर ए कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड योर फादर अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेली एक्सरसाइज. तुम और तुम्हारे पिताजी के बीच में डेली एक्सरसाइज, पर डे एक्सरसाइज पर एक बातचीत होती है, उस पर डायलॉग बनाओ. तीसरा है राइट ए डायलॉग बिटवीन यू एंड वन ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लासरूम. तुम और तुम्हारे क्लासरूम का छात्र है, उनके बीच कन्वर्सेशन है, टीवी देखने का इम्पोर्टेंस क्या है. तो टीवी देखने इम्पोर्टेंस हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ मोबाइल फ़ोन हो गया, और इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर स्टडीज हो गया. इस तरह के आप सेंटेंस बना करके कैसे आप पूरा करेंगे. अब यहाँ एक फॉर्मेट बताया गया है, समझ उसको. पहले माई सेल्फ, मैं. अब यहाँ कुछ कर सकते हो, मैं. हेलो डू यू थिंक, हेलो डू यू थिंक, डैश डैश डैश. अब डैश 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 में कुछ भरो. हेलो डू यू थिंक द डेली एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट. हेलो डू यू थिंक द स्टडीइंग मोर इज इम्पॉर्टेंट. हेलो डू यू थिंक वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ. हेलो डू यू थिंक. ऐसा करके एक सेंटेंस बना लो. तब दूसरा आंसर क्या देगा, यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर फॉर्मेट है, कोई उत्तर नहीं है. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. हाँ आप बिल्कुल ठीक हैं. आगे डैश है क्या लिखोगे, जो क्वेश्चन बोला था. यस यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक्सरसाइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ. Walking in the morning is good for health. Reading newspaper is good for life. Reading the books is good for anybody. इस तरह से आप यहाँ पर करके सीख सकते हैं. ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन. माशल वुड यू लाइक टू टेल सम ऑफ बेनिफिट्स. क्या आप इसका कुछ लाभ बताना चाहेंगे? तो 2-3 लाभ वहाँ पर आप लिख सकते हैं. 2-3 लाभ वहाँ पर लिख करके दिखा सकते हैं कौन कौन सा लाभ उसमें है. ठीक है, इस प्रकार से पूरा करके ये आप 5 नंबर के अधिकारी हो जाते हैं. अब आप इस फॉर्मेट पर अभ्यास करके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करने का प्रयास कीजिए. और ये आप पक्का समझ लीजिए कि अगर आप इसको अभ्यास कर लेते हैं तो पक्का है आपको एग्ज़ाम में खुशियां ही खुशियां होंगी. और अगर आप इसका अभ्यास नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ रोना पड़ेगा. ठीक है ना, ये देखो रो रहा है. तो आप हंसेंगे कि रोएंगे ये डिपेंड करता है आप पर. आप जाने, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये करना.